नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने न्यूज़ चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ में। देश विदेश से जुड़ी हुई, इमिग्रेशन से जुड़ी जानकारी और देश से जुड़ी जानकारी, देश हित में वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ काम कर रहा है और लगातार करता रहेगा। मानव कल्याण में काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। जनता की आवाज़ को, इमिग्रेंट्स की आवाज़ को हम अलग अलग UNO तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। देश विदेश में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का काम वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ कर रहा है और जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। आज के लिए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो वीडियो आज जारी जा रही है ये कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड है कि कोरोना वैक्सीन जो आज सब लोग जानते हैं कि 3 मई आज के दिन से कोरोना वैक्सीन जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं सबको लगनी शुरू हो चुकी हैं। और मैं युवाओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण में आप भाग लीजिए, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए यह लगवाना बहुत ज़रूरी है। और 18 से 45 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, परंतु इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं दोस्तों, अपने फ़ोन में जाइए, प्ले स्टोर खोलिए, कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप में जाकर आप वैक्सीन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नियर बाय अपने सेंटर्स वहाँ पे शो हो जाएंगे आपके आसपास के क्षेत्र में, वहाँ जाके आप अपने स्टेट डालिए, अपना स्टेट गवर्नमेंट का डालेंगे तो नियर बाय आपके एरिया में शो हो जाएगा कौन से एरियाज में, सेंटर्स में वहाँ पे आपको लग रहा है वैक्सीन, और वहाँ रजिस्ट्रेशन आप अपॉइंटमेंट लीजिए जो भी डेट अवेलेबल है। लेने के बाद आप जिस तारीख जो आपको दी गई है आप उस तारीख पर जाइए। अब एक चीज़ और इसमें कुछ अपडेट दे दूँ कि यह वैक्सीन राज्य सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाई जा रही है। दोस्तों, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोविड शील्ड की एक डोज सरकारी हॉस्पिटल को 400 रुपये में देगा और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपये में देगा। ये सेरम SII सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऐलान है कि हम एक डोज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल को 400 रुपये में बेचेंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपये में देंगे, जबकि भारत बायोटेक की एक डोज जो है वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में मिलेगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 1200 रुपये में देगा। तो अलग अलग कंपनीज जो बना रही हैं वैक्सीन, तो अलग अलग उनके रेट होंगे। केंद्र सरकार को 150 रुपये मिल रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 250 रुपये मिल रही है, यह भी कहा केंद्र सरकार का ऐलान है। 24 राज्यों ने तो यह ऐलान कर दिया कि 18 से ऊपर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया गया। तो ध्यान से सुनना कौन कौन से राज्यों ने ऐलान किया है, हो सकता है आप भी उस राज्य के रहने वाले हों और आपके लिए यह ईजी हो जाए। छत्तीसगढ़ ने ऐलान कर दिया दोस्तों कि वैक्सीन फ्री लगेगी, बिहार ने ऐलान किया वैक्सीन फ्री लगेगी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, ओडिशा, दिल्ली तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है तो वहाँ तो लगेगी। जम्मू कश्मीर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, यहाँ भी लगेगी। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल, तो ये सारे राज्यों की सरकारों ने कह दिया है कि वैक्सीन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगेगी। आपको करना क्या दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने अपने आईडी कार्ड कहीं रखे हुए हैं तो निकाल के रख लेना, क्योंकि जिस दिन आपको जाना है वैक्सीन लगवाने आपको अपना आधार कार्ड साथ लेके जाना पड़ेगा। तो अपना आईडी कार्ड ढूंढ के रख लो, आप आधार कार्ड वहाँ पे देंगे, वो आपका आधार कार्ड नंबर नोट करके उसके बाद आपको वैक्सीन टीकाकरण किया जाएगा। सही समय पर पहुँचें, वहाँ वैक्सीन लगवाएं, लगवा के आपको आधा पौना घंटा वहाँ वेट करने के लिए बोला जाता है, वहाँ वेट कीजिए। वेट करने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, अगर आप सही फील कर रहे हैं तो आप बताइए उनको कि मैं सही फील कर रहा हूँ और ठीक है मैं ओके हूँ, और कुछ लगेगा तो मैं डॉक्टर से संपर्क करूँगा। और हम पूरे देशवासियों से यह अपील करना चाहते हैं कि मिलकर इस टीकाकरण में भाग लीजिए, देश को डटकर इस कोरोना महामारी का सामना करना पड़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। जल्दी मैं सरकारों से ऐलान करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन आप खोलें, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन खोलें, क्योंकि लोगों के रोज़गार में बहुत दिक्कत आ रही है। मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो ना तो मांगने जा सकता है और ना वो लेने जा सकता है, तो कृपया करके इन सब के लिए भी सपोर्ट कीजिए। पीछे हमारी एक वीडियो आई थी होटेलर्स के लिए, होटेलर्स के लिए हमने मुहिम चलाई है, उस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आज के लिए ज़्यादा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।